नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका हमारे बीपीएनएल प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको बताऊंगा फर्टिलाइजेशन के बारे में कि फर्टिलाइजेशन क्या है, इसके बारे में आज आपको बता रहा कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। इसके बारे में कि ओविडक्ट से स्पर्म व ओवम के मिलने को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। कि ओविडक्ट से जो स्पर्म और ओवम मिलते हैं उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन दोनों के न्यूक्लियस मिलने से जायगोट बनता है। इन दोनों के न्यूक्लियस मिलेंगे तो क्या बनेगा, जायगोट। जायगोट बनेगा। इसमें ओवम के ऊपरी परतों को पार करते हुए स्पर्म अंदर प्रवेश करता है। जो ओवम की ऊपरी परत होती है उनको पार करते हुए स्पर्म अंदर प्रवेश कर जाता है। अंदर ओवम का साइटोप्लाज्म स्पर्म को अपने आप में समा लेता है। जो ओवम उसमें अंदर जाता है तो स्पर्म अपने आप को उसमें समा लेता है और दोनों के मिलने से जायगोट बनता है। और वो दोनों मिल जाएंगे तब जायगोट बनता है। गर्भधारण की संभावना अधिक करने के लिए यह जरूरी है कि अपनी उम्र पूरी होने से पहले ओवम पर स्पर्म का मिलना हो जाए। कि गर्भधारण जब पूरी अधिक जरूरी है तो उसको उससे पहले कि क्या कि जो ओवम है और स्पर्म होता है वो दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। एक ओवम की फर्टिलाइज 12 घंटे की होती है। तो एक ओवम होता है उसकी फर्टिलाइज कितनी होती है, 12 घंटे की। फर्टिलाइज 12 घंटे की होती है। जो जो इनकी उम्र बढ़ती है और फर्टिलाइजेशन की संभावना कम हो जाती है। जैसे ही इनकी उम्र बढ़ेगी तो फर्टिलाइजेशन की संभावना कम होती जाएगी। नेचुरल मेटिंग के दौरान मेल का सीमन फीमेल की वेजाइना व यूट्रस में पहुंचता है। मेटिंग के दौरान जब मेल का सीमन होता है वो फीमेल की वेजाइना और यूट्रस में पहुंचता है, उसी समय ताजा स्पर्म ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। जब दो स्पर्म 2 से 4 घंटे यूट्रस में रहते हैं, उसके बाद ही इस योग्य बन पाते हैं कि उसके बाद में ये फर्टिलाइजेशन कर पाते हैं। ये नहीं कि ताजा स्पर्म हो वो फर्टिलाइजेशन करेगा, वैसे नहीं होगा। जब यूट्रस में 2 से 4 घंटे रहेगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा। ओविडक्ट के जिस जगह पर फर्टिलाइजेशन होता है वहां ओवम के पहुंचने में ही स्पर्म पहुंच जाते हैं और एक गाय 17 से 18 घंटे तक हिट में रहती है। एक गाय कितने घंटे रहती है, 17 से 18 घंटे हीट में रहती है। कभी भी पूछती है गाय तुमसे कि एक गाय नॉर्मल तरीके से कितने घंटे हीट में रहती है, तो 17 से 18 घंटे तक। और हीट शुरू होने के 25 से 30 घंटे बाद ओवुलेशन होता है। जब हीट शुरू हुई थी उसके 25 से 30 घंटे बाद में ओवुलेशन होता है। कब होता है, 25 से 30 घंटे बाद में ओवुलेशन होता है। कब होता है, हीट शुरू होने के बाद में 25 से 30 घंटे हो गए तब जाके ओवुलेशन होगा, यानी अंडोत्सर्ग होगा। जल्दी तथा देरी से मेटिंग या कृत्रिम गर्भाधान कराने से गर्भाधान की संभावना कम रहती है। जल्दी यानी हीट में पशु आ गया तो एक तो पशु हीट में आएगा तो उसके बाद जल्दी करवा देंगे, या हीट निकलने के बाद में उसकी एआई करवाएंगे तो गर्भाधान की संभावना बहुत कम रहती है। तो जैसे पशु हीट में आता है तो उसे कि 12 से 18 घंटे के बीच में एआई करवानी चाहिए। जैसे कि शाम को पशु हीट में है तो उसकी सुबह करवाओ, अगर सुबह आया तो उसकी दोपहर या शाम तक एआई करवा देनी चाहिए, तभी वो गर्भधारण की संभावना ज्यादा रहती है। इसीलिए हीट शुरू होने के 8 से 9 घंटे बाद गर्भधारण कराना चाहिए गायों में। जैसे ही हीट शुरू हुई उसके 8 से 9 घंटे बाद में एआई करवा देनी चाहिए।
ताकि गर्भधारण की संभावना अधिक हो और गाय में हीट खत्म होने के कुछ घंटे बाद में ओवुलेशन होता है। जैसे ही गाय में हीट खत्म हो गई तो कुछ घंटे बाद में ही ओवुलेशन हो जाएगा। उसमें ओवुलेशन के 2 से 4 घंटे बाद गर्भधारण की संभावना 75% बनी रहती है। जब ओवुलेशन होता है गायों में उसके 2 से 4 घंटे बाद में गर्भधारण की संभावना 75% रहती है। 75% रहती है उसमें की गर्भधारण पशु रह गया, ताकि 35 दिन के ऊपर पर गर्भधारण नॉर्मल होता है। जब 35 दिन की हो जाती है गाय गर्भित तो उस टाइम पे भ्रूण होता है, वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। ओवुलेशन के 6 से 12 घंटे बाद गर्भधारण से संभावनाएं 60 से 70% तथा सिर्फ 30% ही भ्रूण नॉर्मल होता है, कि उस टाइम पे फिर वो गर्भधारण हो जाता है तो 30% ही उसमें भ्रूण नॉर्मल रहता है। इसी तरह ओवुलेशन के 12 घंटे बाद में गर्भधारण कराने से गर्भधारण की संभावना नहीं के बराबर होती है। यानी ओवुलेशन के 12 घंटे बाद में गर्भधारण कराने से तो गर्भधारण की संभावना नहीं के बराबर होती है, कोई मतलब नहीं है उससे। तथा भ्रूण भी नॉर्मल नहीं मिलता, और भ्रूण होता है वो भी नॉर्मल नहीं रहता। अब देखते हैं कि दुधारू पशुओं में स्पर्म ओवर की फर्टाइल लाइफ कितने घंटे की होती है, वो देखते हैं। गाय गाय भैंस में स्पर्म की होती है 24 से 48 घंटे, और ओवम की होती है 8 से 12 घंटे। घोड़ी में होती है 72 से 120 घंटे, और ओवम की होती है 6 से 8 घंटे। भेड़ बकरी घंटे, और ओवम की होती है 16 से 24 घंटे। अगर कभी भी तुमसे पूछ ले कि गाय में गाय और भैंस में स्पर्म की कितने घंटे फर्टाइल लाइफ होती है, तो ओवम की होती है 24 से 48 घंटे, सॉरी स्पर्म की होती है 24 से 48 घंटे, ओवम की होती है 8 से 12 घंटे। अगर तुमसे पूछ ले कि भेड़ में ओवम के कितने घंटे फर्टाइल लाइफ होती है, ओवम को होती है 16 से 24 घंटे। तो इनको भी याद रख लेना कि कभी भी पूछ सकते हैं तुमसे, पेपर में भी आ सकता है, यहां से क्वेश्चन उठते हैं कई बार। कि कई बार यहीं से क्वेश्चन उठ जाते हैं कि गाय और भैंसों में फर्टाइल लाइफ कितनी होती है स्पर्म की ओवम की, तो इनको याद रख लेना। अब है कि गाय भैंसों में ओवरी से ओवम निकलने के बाद 12 से 24 घंटे में नेचुरल मेटिंग या कृत्रिम गर्भाधान करा लेना चाहिए। जब गाय और भैंस में ओवरी से ओवम निकलने के बाद में 12 से 24 घंटे बाद में नेचुरल मेटिंग या कृत्रिम गर्भाधान करा लेना चाहिए। ओवरी से निकलकर ओविडक्ट, ओवरी से निकलकर जब ओविडक्ट तक पहुंचता है तो इष्टमस भाग तक ओवम सक्रिय रहता है। जो इष्टमस भाग होता है वहां तक ओवम सक्रिय रहता है, उसके बाद में सक्रिय नहीं रहता। और इस दौरान स्पर्म पहुंच जाए तो सफल फर्टिलाइजेशन की संभावनाएं अधिक रहती है, कि इधर से तो ओवम पहुंच गया और उधर से स्पर्म मिल गया, तो उस टाइम की फर्टिलाइजेशन की संभावना बहुत अधिक रहती है। लेकिन स्पर्म के पहुंचने में यदि देरी हो जाए तो गतिशील ओवम ओविडक्ट तक आगे, ओविडक्ट से आगे यूट्रस तक धीरे धीरे पहुंचता है। कई बार स्पर्म देरी से पहुंचता है तो ओविडक्ट तक वो स्पर्म ओवम धीरे धीरे पहुंच पाता है, और उस टाइम पे गर्भाधान की संभावनाएं कम रहती है।
वहां तक पहुंचते पहुंचते उसकी पूरी लाइफ हो जाती है, पूरा समय उसका खत्म हो जाता है, फिर यानी गर्भधारण की संभावना बहुत कम रहती है। इसीलिए सफल फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है कि स्पर्म का ओवम सक्रिय हो ताकि तेज गति के साथ एक दूसरे की ओर बढ़े। इधर से तो स्पर्म और उधर से ओवम दोनों सक्रिय होने चाहिए, अगर उनकी गति तेज रहे तो फर्टिलाइजेशन की संभावना बहुत अधिक रहती है। अब देखते हैं कि यदि एक ओवम की फर्टिलाइज लाइफ 12 घंटे के आखिरी समय में फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे कि जैसे कि ये स्पर्म है जहां काफी मिले, इससे आगे स्पॉन्ज हुआ तो यहाँ पे स्पर्म जाके दो गए, उसके बाद जब जाइगोट हुआ तो ओवम में सिर्फ एक ही स्पर्म गया था, ठीक है। और इन चीजों को याद रखना कि कहां कहां से ये क्रियाएं हो रही है। यदि एक ओवम की फर्टिलाइज लाइफ 12 घंटे के आखिरी समय तक समय में फर्टिलाइजेशन होता है तो निम्न संभावनाएं हो सकती है कि निम्न संभावना हो जाती है, गतिशील भ्रूण विकसित होना, वो कौन कौन सी संभावना होता है, गतिशील भ्रूण विकसित होना, एबनॉर्मल भ्रूण विकसित होना, अवर्षण होना आदि। इसी तरह यदि स्पर्म की फर्टिलाइज लाइफ 24 से 48 घंटे के आखिरी समय में फर्टिलाइजेशन होता है तो भी उपरोक्त संभावनाएं हो सकती है। वो कौन कौन से होती है कि फर्टिलाइजेशन के स्तर के होने के बाद उसी जगह यानी फैलोपियन ट्यूब में भ्रूण रहता है, कि फैलोपियन ट्यूब होती है उसमें भ्रूण रहता है और फिर विकसित होकर बाद में यूट्रस में स्थापित हो जाता है, फिर बाद में वो धीरे धीरे भ्रूण विकसित होगा तो यूट्रस में स्थापित हो जाता है। वो दो कोशिकाओं वाला जायगोट 8 से 16 कोशिकाओं में बने तथा फैलोपियन ट्यूब में रहता है, जैसे दो कोशिकाओं वाला जायगोट होता है वो 8 से 16 कोशिकाओं में बनने लगता है और वो यूट्रस में रहता है तथा अंत में स्थापित होने के लिए यूट्रस से खिसक जाता है और यूट्रस में भ्रूण बढ़ता जाता है और प्लेसेंटा के जरिए मां के द्वारा वो पोषण प्रदान करता है, कि जैसे वो प्लेसेंटा मां से जुड़ी रहती है बच्चे की भ्रूण की तो उसी के द्वारा वो भोजन प्राप्त करता है।
ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा मैं नया टॉपिक, घर पर रहे सुरक्षित रहे। क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.